उत्तराखंड के संवैधानिक संकट पर बड़ी खबर लेते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 356 यानी 356 को लेकर केंद्र ने हाईकोर्ट में दाखिल किया अपना जवाब। केंद्र ने लिखित तौर पर कोर्ट को जवाब दिया। जवाब में गोविंद सिंह कुंजवाल की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए। विधानसभा अध्यक्ष ने मत विभाजन की मांग के बावजूद विनियोग विधेयक मान लिया पारित। आजाद भारत में पहली बार किसी विधानसभा अध्यक्ष ने ऐसा किया। केंद्र के हिसाब से सत्र के अंतिम दिन दिया गया था अविश्वास का नोटिस। केंद्र का कहना है विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ दिया गया था ये नोटिस। नोटिस पर नहीं हुई कोई सुनवाई। केंद्र का ये कहना है 6 अप्रैल को हाईकोर्ट करेगी सुनवाई। तो आजाद भारत में पहली बार किसी विधानसभा अध्यक्ष ने ऐसा किया, केंद्र सरकार का आरोप है और इसी को लेकर अब नोटिस मिला है। सत्र के अंतिम दिन अविश्वास का नोटिस दिया गया था बकौल केंद्र सरकार। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ नोटिस दिया गया था, उसके बावजूद भी नोटिस पर कोई सुनवाई नहीं हुई और विनियोग विधेयक को पारित मान लिया गया। 6 अप्रैल को फिलहाल हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। और इस वक्त सीधे रुख करेंगे, मेरे सहयोगी हेमभट जुट रहे हैं। तो माना जाए कि मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन केंद्र ने जिस तरह का आरोप लगाया है उसके बाद ये माना जाए कि इस तरह की मुश्किलें और आने वाले समय में बढ़ती रहेंगी। बिल्कुल घनश्याम, देखिए कल का जो दिन है वो उत्तराखंड की राजनीति के लिए और संवैधानिक तौर पर बेहद अहम दिन है। कल सुनवाई होनी है डबल बेंच में और इससे पहले जो केंद्र का जवाब है वो हाईकोर्ट में पहुंच चुका है और निवर्तमान मुख्यमंत्री हरीश रावत जो रिट पिटीशन लेकर आए हैं हाईकोर्ट में सिंगल बेंच के ऑर्डर को उन्होंने चैलेंज किया है। आर्टिकल 356 के तहत उत्तराखंड में जो राष्ट्रपति शासन लगा है वो गलत लगा है, उनका ये कहना है और उनका जवाब भी हाईकोर्ट के सामने आ चुका है। अब वक्त ये है घनश्याम कि जो आरोप अभी तक बाहर लगे थे, राष्ट्रपति शासन क्यों लगा, उसकी क्या बाध्यताएं थी, क्या परिस्थितियां थी, उनको प्रमाणिक रूप से यहां प्रस्तुत करना होगा। और सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है, एक जो गोपनीय रिपोर्ट होती है जिसमें राजभवन से राज्यपाल की जो रिपोर्ट होगी वो गोपनीय तौर पर हाईकोर्ट पहुंच चुकी है, उसका अवलोकन कल कोर्ट करेगी और हरीश रावत की तरफ से भी जो काउंटर एफिडेविट है वो यहां दे दिया गया है। घनश्याम कल क्या स्थिति बनने जा रही है ये जानना बेहद जरूरी है और पूरा देश इस समय जानना चाहता है कल हाईकोर्ट में क्या होने वाला है। हमारे साथ नैनीताल हाईकोर्ट के अधिवक्ता अजय वीर पुंडीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कल क्या कुछ होने वाला है डबल बेंच में। पुंडीर साहब, बहुत अहम दिन है, एक जो संवैधानिक संकट जिसको हम कह रहे हैं उत्तराखंड के लिए वो है, क्या कुछ होने जा रहा है कल कोर्ट में? देखिए, जिस प्रकार से लंडन सिंगल जज के ऑर्डर को दोनों पक्षकारों ने चैलेंज किया है, दोनों पक्ष संतुष्ट नहीं है। उन्होंने एक तरफ रिट पिटिशनर्स ने ये चैलेंज किया है कि 9 लोगों की जो वोटिंग का अधिकार दे दिया गया था उसको चैलेंज किया है, साथ ही साथ इधर से यूनियन ऑफ इंडिया ने चैलेंज किया कि फ्लोर टेस्ट का जो ऑर्डर है राष्ट्रपति शासन के बाद उस फ्लोर टेस्ट का कोई औचित्य नहीं बनता है जब ऑन द रिपोर्ट ऑफ गवर्नर की जो एज पर द मैंडेट ऑफ आर्टिकल 356 गवर्नर की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति शासन इम्पोज किया गया है, तो इस आधार पर उन्होंने उस रिपोर्ट को चैलेंज करने का प्रयास किया जा रहा है रिट पिटिशनर की तरफ से कि ऐसी कोई एक्सीजेंसी नहीं थी। उसी तरफ से राइवल कंटेंशन यूनियन ऑफ इंडिया का यही रहेगा कि वहां पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी संवैधानिक संकट से निपटने के लिए जो राष्ट्रपति शासन का लगना लाजमी था। तो इंट्री ऑर्डर के तहत जो फ्लोर टेस्ट का ऑर्डर था, दोनों चैलेंज वो है, लेकिन डिवीजन बेंच ने रिट पिटीशन को ही वहां पे ओरिजिनली मंगा लिया और रिप्लाई का टाइम दे दिया, क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया का कंटेंशन ये था कि वहां पर उन्हें कोई रिप्लाई का टाइम नहीं दिया गया था लंडन सिंगल जज ने। अब फाइनली क्योंकि इसमें कोई इंट्रीम ऑर्डर पे थोड़ा सा कोर्ट का व्यू ये था कि इंट्री ऑर्डर से ये चीजें डिसाइड करने के बजाय इसको फाइनली डिसाइड किया जाए। सर, एक बात ये कि जो अध्यादेश को चैलेंज किया है, जो बजट अध्यादेश है केंद्र का, उसे भी चैलेंज किया है, हालांकि आज 2 बजे उसमें सुनवाई होनी है, अमेंडमेंट चाहते हैं उसमें कपिल सिब्बल। क्या लगता है, अब जब आर्टिकल 356 को सीधे डिस्कस होना है कोर्ट में, तो उससे पहले बजट अध्यादेश कोई इश्यू आप लगता है क्या? नहीं, देखिए बजट जो है जस्ट टू रन ए स्टेट मशीनरी, बजट इज मैंडेटरी, क्योंकि मनी बिल पे असेंट नहीं हुआ है वो डिस्प्यूट क्रिएट हो गया है। वहां पर संवैधानिक संकट जैसी स्थिति बनती सी नजर आ रही थी जिसके बेसिस पे गवर्नर ने अपनी रिपोर्ट भेजी और उस पर आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल का मतलब यह कि कोई भी एक्सीजेंसी ऑफ सर्विसेज जो है उनको मीट आउट करने के लिए प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया है। तो यहां पर वो सेकेंडरी इशू है, जो प्राइमरी इशू ये है कि
क्या जी घनश्याम, मैं सुन रहा हूँ आपको। जी जी बिल्कुल, तो बहुत अहम दिन होने वाला है कल हेम, और वाकई जो कानून विधेयक कानून की जानकार है उनकी भी निगाह, और हम भी इस खबर पर बने हुए हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल हेम तमाम बातचीत के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि भीमलाल आर्य की सदस्यता खत्म करने को लेकर नोटिस बीजेपी ने विधानसभा सचिव को दे दिया है। आपको बता दें मदन कौशिक ने विधानसभा सचिव से मुलाकात की, पार्टी व्हिप का भीमलाल आर्य ने उल्लंघन किया, इस तरह की जानकारी और इस तरह की बात बीजेपी कह रही है। 18 मार्च को सदन में नदारद थे भीमलाल आर्य, विनियोग विधेयक के खिलाफ पार्टी ने जारी किया था व्हिप, पार्टी के अनुशासन का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं भीमलाल आर्य। तो भीमलाल आर्य की सदस्यता को खत्म करने के लिए ये नोटिस दिया गया। 18 तारीख में विनियोग विधेयक में मतदान में उपस्थित न रहकर पार्टी की नीतियों का विरोध किया और एक प्रकार से सरकार को सहयोग किया। इसी में जो हम लोगों ने आज याचिका के रूप में सचिव को अपनी याचिका रिसीव कराई है कि भीमलाल आर्य के खिलाफ दल बदल विधेयक कानून के अंतर्गत कार्रवाई के लिए आप विधानसभा अध्यक्ष को तत्काल प्रस्तुत करिए। माननीय अध्यक्ष जो है वो संवैधानिक पद धारक है, और इस याचिका का निस्तारण संवैधानिक पद धारक के रूप में जो उन्हें अधिकार प्राप्त है उसके जो विवेचना या सुनवाई इत्यादि करनी है उनके द्वारा ही की जाएगी। और बिट के साथ मेरे सहयोगी पंकज पवार जुड़ रहे हैं। पंकज, तो पार्टी व्हिप का भीमलाल आर्य ने उल्लंघन किया, बीजेपी खफा है, अब ये माना जाए कि भीमलाल के राजनीतिक भविष्य पर भी संकट है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, और ये सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक भविष्य तो वो हरीश रावत के साथ ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी जो पूरी तरीके से 9 विधायकों के साथ खड़ी हुई नजर आ रही थी, लेकिन उनके ही विधायक उनको दगा देते हुए नजर आ रहे थे। समाचार प्लस ने सबसे पहले दिखाया था कि भीमलाल किस तरीके से रंजीत रावत के साथ हेलीकॉप्टर में बैठ के गए, तो पहली गलती तो उनकी ये थी कि वो सीधे सीधे एक बीजेपी के विधायक होके कांग्रेस के सिपे सालारों के साथ घूम रहे थे। उसके बाद जो 18 तारीख की बात है, 18 तारीख को जो पार्टी ने व्हिप जारी किया था उसके तहत उन्होंने व्हिप का उल्लंघन तो किया ही था, क्योंकि वो उस दिन मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ कार में बैठ के तो आए थे, लेकिन वो जब सदन में विनियोग विधेयक की लेकर बात चर्चा हो रही थी और जब उस पर मतदान की बात की जा रही थी तब वो वहां से गायब थे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया और इसी को आधार बनाकर बीजेपी आज विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंची और विधानसभा सचिव के माध्यम से उन्होंने उनकी सदस्यता समाप्त करने का। शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। कांग्रेस पर बरसे भगत सिंह कोश्यारी, कांग्रेस में टूट के लिए बीजेपी जिम्मेदार नहीं, कहना है कोश्यारी जी का। कांग्रेस का यह आरोप सबसे बड़ा झूठ है। कोश्यारी कह रहे हैं कि कांग्रेस के घर में घर के चिराग से ही आग लगती है और बदनाम बीजेपी को करते हैं, कांग्रेस के वास्तविकता की गवाही देता है इतिहास। कोश्यारी ने कहा कांग्रेस ने विवाद में पीएम का नाम घसीटा। भगत सिंह कोश्यारी ने हरीश रावत पर चुटकी ली, कहा खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, सत्ता के मद में चूर थी कांग्रेस, सभी को कांग्रेस का इतिहास का अच्छे से पता है, 100-100 चूहे खाकर हज पर जाने की ना सोचे कांग्रेस, प्रदेश में जल्द से जल्द सरकार बने। भगत सिंह कोश्यारी का बयान। हरीश रावत जी और भारतीय जनता पार्टी पर दोष देंगे तो जनता यही कहेगी भैया ये तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे हो रहा है। इसलिए हमारा जो सबसे पहला आप सब के माध्यम से निवेदन है, ये भ्रांति टूट जानी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का इसमें कहीं कोई हाथ है। कांग्रेस के अंदर घुटन थी, शायद साल भर पहले से भी कांग्रेस के लोगों ने प्रयास किया था, पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं नहीं हम इस पर विश्वास नहीं करते और आप लोगों को कांग्रेस में रहना चाहिए। हरीश रावत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पूर्व सीएम विजय बहुगुणा ने झूठे आरोप लगाने पर पूर्व सीएम हरीश रावत को कानूनी नोटिस दिया है। दरअसल हरीश रावत ने विजय बहुगुणा पर बीजेपी से करोड़ों के लेन देन का आरोप लगाया था। अब बहुगुणा ने रावत को
आरोप में घेरते हुए इनके आरोपों को गलत बताया, उन्हें नोटिस थमा दिया है। नोटिस में हरीश रावत पर विजय बागोड़ा की जनता के बीच इमेज खराब करने का मनगढ़ंत आरोप लगाया गया है। विजय बागोड़ा की तरफ से नोटिस के जरिए इन आरोपों को खंडन करने का 3 दिन का समय दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई है। तो बागोड़ा का नोटिस है, मुश्किल में हरीश रावत एक बार फिर से हैं। तो हरीश रावत को कानूनी नोटिस दिया है बागोड़ा ने और ये कहा है कि 3 दिन का समय है अगर इस आरोप का वो खंडन करना चाहे, नहीं तो फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाए हैं मुझ पर और कुछ मेरे जो कांग्रेस के विधायक जो उनका साथ छोड़ा है कि 25-25 करोड़ रूपये हम लोग के खाते में गए, 100 करोड़ रूपये भारतीय जनता पार्टी ने खर्च किए और इस बात को दोहराते चले जा रहे हैं जनसभाओं में और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैंने उनको आज एक नोटिस भेजी है और उनसे कहा कि यदि वो सार्वजनिक माफी नहीं मांगते 3 दिन के अंदर तो सेक्शन 500 आईपीसी के अंदर मैं उनके खिलाफ क्रिमिनल डिफेमेशन केस फाइल करूंगा, सिविल डिफेमेशन केस फाइल करूंगा और वैसे तो अभी खाते में पैसे नहीं आए लेकिन हरीश रावत जी से पैसे जरूर कोर्ट के जरिए वसूलूंगा। ये बहुत ही गिरी हुई और ओछी हरकत, मैं नहीं समझता था कि हरीश रावत जी ऐसा कार्य करेंगे लेकिन अफसोस की बात है उन्होंने अब एक ऐसा रास्ता अपनाया है जो अब मैं कोर्ट में खींच के ले जाऊंगा अगर माफी नहीं मांगते तो। और शायद सही कहा जाता है, सियासत में ना किसी का कोई दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन। कांग्रेस के विधायक क्या बागी हुए कि हरीश रावत के लिए न केवल वो भ्रष्टाचारी भी हो गए और फ्रस्ट्रेटिंग भी। लेकिन सवाल ये उठता है ये क्या ऐसा कहकर हरीश अपने दाग छुपा सकते हैं। सियासतदान बेशक ऊपर से सफेदपोश दिखते हो लेकिन इसके नीचे इनके सियाह कारनामे छिपे होते हैं। इनके गिरगिटिया अवतार को देखकर ही कहा गया है कि बदलती है सियासत तो बदल जाते हैं ढंग, मौका देखकर नेता भी बदल देते हैं रंग। अब कभी सूबे का निजाम बने हरीश रावत को ही देख लीजिए, सत्ता हाथ से गई तो नजरे और नजारे दोनों बदल गए। अपनी ही सरकार में मंत्री रहे, हरक इनके लिए महाभ्रष्टाचारी हो गए और विजय बहुगुणा फ्रस्ट्रेटेड। हरक सिंह रावत ने ये सारा जो है ही बिकेम इंस्ट्रूमेंटल अलोंग विद विजय बहुगुणा जी, एक फ्रस्ट्रेटेड पर्सन और एक जो है मनी एम्बिशियस पर्सन जो है, ये दोनों ने मिल करके जो है इंडिया बुल के साथ ये सारी साजिश उसके पैसे। हरीश रावत ने एक उंगली तो उठा ली लेकिन वो भूल गए कि 3 उंगलियां उनकी तरफ भी उठ रही हैं। अगर हरक भ्रष्टाचारी थे तो वो सरकार में क्या कर रहे थे? हरीश रावत क्यों एक भ्रष्ट मंत्री को झेल रहे थे? क्या हरीश के राज में भ्रष्टाचार की खुल्लम खुल्ला छूट थी? साथ ही हरीश रावत तो जवाब ये भी देना होगा, बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाने वाले हरीश रावत खुद सरकार बचाने का टॉप अप प्लान क्यों बता रहे थे? 5-5 करोड़ में विधायकों की खरीद फरोख्त करना क्या भ्रष्टाचार के दायरे में नहीं आता? हरीश के मुताबिक अगर बहुगुणा की करनी से उनके पिता हेमवती नंदन बहुगुणा की आत्मा रो रही होगी तो क्या विधायकों के इस खरीद फरोख्त से शहीदों की आत्मा नहीं रोएगी? हालांकि हरीश के इन आरोपों पर बाकी विधायकों ने क्या जवाब दिया सुनिए। अगर मैं भ्रष्ट था तो मैं सीधा उन पे, मेरा आरोप है कि मैं अगर उनको लगता था कि मैं भ्रष्ट हूँ तो उन्होंने मुझे मंत्रिमंडल से क्यों नहीं हटाया? अपना आचरण देखें, दूसरों को शिक्षा दीक्षा ना दें। जो हरीश कहे वो सही, ना खाता ना बही, मैं खली, ये सब बात जो है यही आज वजह है जिसकी वजह से आज लोगों ने इनसे दूरी बनाई हम लोगों ने। वही हरीश रावत से जवाब बीजेपी भी मांग रही है कि सरकार से नाता टूटते ही नेता एकाएक भ्रष्टाचारी कैसे हो गए? आज हाथ से निकल गए इसलिए सब चीजें कह रहे हैं, अभी तो ये औरों को भ्रष्टाचारी और बताएंगे क्योंकि इनके हाथ से और लोग निकलने वाले हैं। सरकारों को वन मैन आर्मी की तरह चलाया जाएगा, देवभूमि को लूट का अड्डा बनाया जाएगा तो सरकार एक बार नहीं बार बार बिखरेंगी, बार बार टूटेंगी। कुल मिलाकर हरीश की हालत ये है कि सोचे वही लुटेरी और दावा बड़ी लड़ाई का, खुद ही मौका दे दिया अपनी जग हंसाई का। सीनियर ठीक ही कहा है कि राजनीति में कोई सच्चा दोस्त और दुश्मन नहीं होता, यहाँ मौका और नजाकत देखकर रंग रूप बदला जाता है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही उत्तराखंड की राजनीति में हो रहा है। हरीश रावत के साथ बागी विधायक जब तक थे तब तक वो अच्छे थे लेकिन जैसे ही हाथ छोड़ा वैसे ही वो भ्रष्टाचारी और फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं।
ऐसे में कई सवाल ऐसे भी हैं जिनका हरीश रावत को जवाब देना ही होगा। कैमरामैन गौरव पंत व पवन रावत के साथ पंकज पवार, देहरादून समाचार प्लस। और राज्य में चल रहे सियासी घटनाक्रम ने विधायिका की विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सत्ता पलट की कवायद शुरू होने से लेकर अब तक चल रही विधायकों की लुका छिपी ने यह संदेश दिया है, विधायकों की प्रतिबद्धता का कोई भरोसा नहीं, जो कि लोकतंत्र के लिए भी घातक है। राज्य में हरीश रावत सरकार में हुई बगावत के बाद बने हालात ने राज्य की विधायिका के कमजोर पहलू को उजागर कर दिया है। सिद्धांतों की आग में निजी हितों के टकराव से पैदा हुए सियासी संकट में सत्ता गिराने और बचाने में लगे विधायकों की कोई विश्वसनीयता नहीं है, ये उन्होंने अपनी कर्मी से साबित कर दिया है। सत्ता विरोधी विधायक जहाँ दिल्ली, गुड़गांव और जयपुर की परिक्रमा के बाद थमे हैं, तो सत्ता गंवा चुकी कांग्रेस में तो स्थिति अब भी सुधरी नहीं है। पहले विधायक जंगल में छुपा कर रखे गए और अब उन्हें बटोर कर हिमाचल में सहेजा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस का ये डर बेवजह भी नहीं है। इस उठापटक में लोकतंत्र की दुहाई देने वालों का स्याह चेहरा सत्ता बचाने की हद तक जाते हुए सबने साफ साफ देख लिया है। ऐसे में कोई किसी पर भरोसा करे तो कैसे करे। उन्होंने छुपाया तथा टेलीफोन बंद कर दिया अपने विधायकों के, एक को दूसरे के कमरे में मिलने नहीं दिया और आज उठा के उनको सीधे हिमाचल प्रदेश में ले गए हैं और वहां आज भी उनके टेलीफोन जमा करा रखे हैं। तो डर तो उनको है, हमको काहे का डर है, हमारे विधायक तो छूटे हैं। आप देखिए सामने हमारे एक विधायक बैठे हैं, वालों के घेरे में है, संदेह के घेरे में है, तो वो हमारे विधायक हैं और उनको आज सोचना है, आत्मचिंतन करना है और आत्ममंथन करना है कि हम समाज के बीच में कैसे जाएंगे। अगर हमारे विधायकों का चरित्र इस तरह का होगा तो मेरे ख्याल से उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। वही नेताओं के इस छल को, कपट को और डर को राज्य के आंदोलनकारी भी देख रहे हैं और भविष्य के लिए जनता को आगाह भी कर रहे हैं कि जन प्रतिनिधि किसको चुनना है और कैसे चुनना है, क्योंकि आज जिस प्रकार से सवालिया निशान इन्होंने लगाया है, एक विश्वसनीयता खोई है। विधानसभा पवित्र मंदिर में जिस प्रकार से जो हमने कृत्य देखा और कहीं न कहीं इस पर सवालों के घेरे में ही लोग आते हैं और ये इस बात के लिए जनता को सबसे ज्यादा सोचना पड़ेगा। कुल मिलाकर अब ये जनता को समझना होगा कि जन प्रतिनिधि चुनते वक्त अगर सिर्फ तात्कालिक लाभ या जातिगत हित को तरजीह देते रहे तो लूटने वाले लूटते रहेंगे और लूटने वाले लूटते रहेंगे। लोकतंत्र में जिन्हें पहरुआ बनाया गया वो तो इतने कमजोर निकले कि अब उन्हीं की पहरेदारी करनी पड़ रही है। इन हालात में सवाल सिर्फ उन पर नहीं जिन्हें जिम्मा दिया गया, सवाल उन पर भी है जिनके हाथों में जिम्मेदारों को चुनने की ताकत दी गई। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ मैं प्रशांत राय, समाचार प्लस, देहरादून। और सूबे के पेयजल महकमे में भी अब अजब गजब का कानून चल रहा है। जी हाँ, आम लोग बिल का भुगतान ना कर पाए तो उनकी आरसी तक काट ली जाती है और जो बड़े अधिकारी लाखों के बिल पर कुंडली मार कर बैठे हैं उनसे पूछने वाला कोई नहीं। उत्तराखंड के कई बड़े अफसर मुफ्त का पानी पी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनका बिल माफ है, बस इनकी आदत ही मुफ्त खोरी की हो गई है और यह आदत इन्हें किसी और ने नहीं बल्कि खुद पेयजल महकमे ने लगा दी है। सिर्फ एक दो बार बिल भरने में देरी होने पर आम लोगों पर कार्रवाई का हंटर चलाने वाला पेयजल महकमा इन अधिकारियों पर बड़ा ही मेहरबान है। शासन के सचिवों से लेकर डाक विभाग के अधिकारी और शिक्षा महकमे के अधिकारी पर जल संस्थान की लाखों की देनदारी है, लेकिन जल संस्थान के अधिकारी उनसे तकादा कर सके इतना उनमें दम कहाँ। आपको दिखाते हैं किस पर कितनी देनदारी है। अधिशासी अभियंता MDDA 75,816 बकाया। सहायक अभियंता इंस्पेक्शन हाउस 5,93,079 बकाया। सहायक अभियंता SES 9,42,168 बकाया। सहायक अभियंता टॉल्स 9,42,168 बकाया। अधिशासी अभियंता यमुना भवन 9,42,352 बकाया। अधिशासी अभियंता PWD 62,087 बकाया। प्रधानाचार्य राजपुर 2,64,094 बकाया। उपनगर अधिकारी 2,21,180 रुपए बकाया। कि जो बड़े विभाग हैं जैसे पुलिस विभाग हो गया, गढ़वाल मंडल विकास निगम, कुमाऊं मंडल विकास निगम, हॉस्पिटल्स वगैरह, इससे हमें नियमित मिलता है और मिल जाता है, कभी
थोड़ा सा बजट कम हो जाए तो अगले साल वो बजट में आ जाता है, तो कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं आती। इसी तरीके से राज्य संपत्ति विभाग से भी हमको मिल जाता है, तो हमको गवर्नमेंट विभाग से ऐसा नहीं आ रहा है, किसी विभागों में कभी कभी कुछ बजट कम होता है तो अगले साल ले लेते हैं, तो ये कोई हमारे लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है। लाखों रुपए की बकायेदारी से जहां विभाग घाटे में है और इसे पूरा करने के लिए पानी की कीमतें बढ़ाने की तैयारी हो रही है। पानी आ ही नहीं रहा है हमारे यहाँ, और पानी की प्रॉब्लम है कालिदास रोड पे। बिल भी प्रॉपर जमा, बिल तो प्रॉपर जमा हो रहा है हमारा। तो पानी की किस तरीके की दिक्कत है आपको? पानी आ ही नहीं रहा है हमारे यहाँ, तो नहीं आ रहा है। तो शिकायत कर रहे हैं? हाँ, शिकायत हमने पिछले सैटरडे भी की थी, आज भी की है। कुल मिलाकर पूरी मनमानी चल रही है, अधिकारियों से विभाग पैसे वसूल कर नहीं पा रहा और ठीकरा आम लोगों के सर पर फोड़ा जा रहा है। घाटे से उबरने के लिए पानी के दाम बढ़ाने की तैयारी हो रही है। विभागों की ये अंधेरगर्दी आम लोगों की कमर तोड़ रही है। सौरभ भाटिया, समाचार कस, देहरादून। और बिजनौर में हुई एनआईए के अफसर तंजील अहमद की हत्या के बाद हरिद्वार के अर्धकुंभ मेले की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल हरिद्वार जिले के कई किलोमीटर सीमा बिजनौर से सटी हुई है। हरिद्वार में अर्धकुंभ मेला चल रहा है और आगामी 7 अप्रैल को चैत्र अमावस्या का स्नान पर्व भी है। ऐसे में अर्धकुंभ मेला पुलिस खासी सतर्क हो गई है। एनआईए ऑफिसर की हत्या के बाद जहां जिले की बिजनौर से सटी सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है, वहीं हर की पौड़ी और आसपास के क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है। सीसीटीवी और ड्रोन से पूरे मेला क्षेत्र पर निगरानी रखी जा रही है। और इवन हमारे जो सर्विलांस का सिस्टम है, हमारे जो टेक्निकल बीडी स्क्वाड है या ड्रोन है या फिर हमारे जैमर है, उसमें हम ज्यादा प्रयोग करने की कोशिश करेंगे इसको देखते हैं। वो तो बहुत बड़ी सीमा है, देखिए पूरा रायपुर से लेकर के पूरा बिजनौर ही मैक्सिमम हमारा बॉर्डर है, लेकिन बॉर्डर पे पहले से ही हम लोग की चेकिंग भी चल रही है, हमारे लोग भी लगे हुए हैं वहाँ पर। ऐसे कोई प्रॉब्लम दिखती नहीं है, लेकिन हम वो जरूर कर रहे हैं। और मई से शुरू होने जा रही चार धाम यात्रा को लेकर इस बार पर्यटन व्यवसायियों में खासा उत्साह है। पर्यटन व्यवसायी इन दिनों अपने अपने होटल्स प्रतिष्ठानों को रंगने में जुटे हुए हैं। व्यवसायियों में उत्साह इस बात को लेकर भी है कि चार धाम यात्रा की प्रमुख पड़ाव उत्तरकाशी के सभी होटल्स मई तक एडवांस में बुक हो चुके हैं। जिले में 2012 की आपदा के बाद से पर्यटन व्यवसाय हमेशा घाटे का सौदा रहा है, इससे पर्यटन व्यवसाय के लोग खासे मायूस थे। पिछले 3 सालों की आपदा ने जो हमारा पर्यटन व्यवसाय यहाँ पर ठप किया है, इस बार एडवांस में हमारे पास मई में काफ़ी बुकिंग आ चुकी हैं। मई लगभग हमारा होटल पैक हो चुका है और उत्तरकाशी में जितने भी होटल हैं उनके पास लगभग सभी के पास बुकिंग आ चुकी हैं और लगातार फोन कॉल्स ट्रैवल एजेंट्स यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और उत्तरकाशी में पंचकोसी वारुणी यात्रा में सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। पंचकोसी वारुणी यात्रा उत्तरकाशी की एक ऐसी यात्रा है जिसमें पग पग चलने वाले श्रद्धालुओं को अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य लाभ मिलता है।